हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू और ब्रेड से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी रेसिपी। इसके लिए 7 से 8 बॉयल आलू ले लेंगे, उसे अच्छे से मैश कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से मैश कर लें, उसके बाद गैस ऑन कर लें, एक पैन चढ़ा दें, उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल थोड़ा गर्म हो जाने के बाद छोटे चम्मच से 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा हल्का चटक जाए उसके बाद इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दें। हरी मिर्च को 1 से 2 बार इस तरह से चला लें। उसके बाद इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। सारी सब्जियों को इसमें बिल्कुल बारीक बारीक ही काटें, जिससे कि ये सब्जियाँ हमारे आलू के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद इसमें 2 चम्मच बारीक कटी हुई बीन्स और 2 चम्मच गाजर, इन दोनों को डालकर अच्छे से मिक्स करते हुए इनको अच्छे से भून लेंगे। जब तक सब्जियां हमारी पक रही हैं तब तक हम ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। तो 6 ब्रेड ली हूँ, इन सभी को तोड़कर इस तरह से मिक्सी के जार में डाल दें और इसका बिल्कुल अच्छा सा ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर लेंगे। उसके बाद इधर चलते हैं, सब्जी देखते हैं। सब्जियां हमारी अच्छे से पक चुकी हैं तो अब इसमें मसाले डाल देते हैं। मसाले में 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे अच्छे से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद इसमें सूखे मसाले डालेंगे। अदरक लहसुन से हमें खुशबू आने लगी है अच्छी। लहसुन अच्छे से भुन चुका है, उसके बाद इसमें सूखे मसाले 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च अगर तीखा पसंद करते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल दें। उसके बाद डालकर अच्छे से मिक्स करके 2-3 मिनट सूखे मसाले को भी भून लेंगे। उसके बाद आलू डालेंगे। फिर आलू डालकर अच्छे से 5 मिनट इसको मसाले के साथ आलू को भूनेंगे। नमक स्वाद के अनुसार डाल दें। नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल दें। धनिया पत्ती डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए आलू हमारा अच्छे से भूनकर तैयार हो चुका है। अब इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल कर रख लेंगे, गैस बंद कर देंगे। आलू जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसमें हम ब्रेड क्रम्स डालेंगे। देखिए आलू ठंडा हो गया है तो ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा डालें, थोड़े से ब्रेड क्रम्स डालकर उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू के साथ। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ही आसान तरीके से बनकर रेडी होती है, इसलिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इस तरह से सारे ब्रेड क्रम्स को डाल दी हूँ, बस थोड़ी सी रख लेना है, जिसका यूज मैं बाद में करूँगी। उसके बाद 1/2 कप मूंगफली ले लेंगे, इसे रोस्ट कर लेंगे। गैस ऑन कर ले हैं, उसके बाद इसको रोस्ट कर लेंगे। देखिए मूंगफली हमारा रोस्ट हो गया है। अब गैस बंद कर दें, इसको ठंडा होने देंगे। फिर इसे मिक्सी के जार में डालकर इसे दरदरा कूट लेंगे। देखिए इस तरह से दरदरा इसको कूट लें। उसके बाद इसको इसी आलू में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मूंगफली डालने से जो ये हमारा कटलेट बनेगा इसमें बहुत ही अच्छा मूंगफली का टेस्ट आता है, इसलिए ज़रूर डालें, बहुत ही अच्छा कटलेट बनकर तैयार होगा। अब अच्छे से आलू को मिक्स कर ली हूँ, बिल्कुल अच्छा सा स्मूथ साइज़ को बना लें। उसके बाद इसके इस तरह से थोड़े लंबे लंबे कटलेट बनाकर रेडी कर लेंगे। एक एक बॉल्स ले लें थोड़ा छोटा छोटा, उसके बाद इस तरह से लंबा लंबा कटलेट आप अपने पसंद से कोई भी आकार में बना सकते हैं। मैं इस तरह से थोड़े लंबे लंबे आकार में बनाकर सबको रेडी कर रख लेंगे। इसी तरह से दोनों हाथों की हेल्प से इस तरह से आप बनाकर रख लें।
उसके बाद 2 चम्मच मैदा लेंगे। ये कटलेट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। तो इस तरह से सारा बनाकर रख ली हूँ और एक पैन में गैस ऑन कर लें और पैन चढ़ाकर इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दें, क्योंकि कटलेट बनाएंगे तो इसे हम सेलो फ्राई करेंगे, इसलिए तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा उसके बाद बनाएंगे। तब तक इधर देख लेते हैं, 2 चम्मच मैदा ले ली हूँ, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका अच्छा सा घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। पतला मैदे का घोल, गाढ़ा नहीं बनाए, पतला बनाए, तभी हमारी जो कटलेट बनेगी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो मैदे में इस तरह से कटलेट को डालकर इसे अच्छे से, जो ब्रेड क्रम्स बनाकर रखी थी उसमें इस तरह से अच्छे से इसको कोट कर लेंगे। इसी तरह से सारे कटलेट को रेडी कर रख लेंगे इस तरह से। आप चाहें तो ब्रेड, यहाँ ब्रेड क्रम्स की जगह पे आप सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कटलेट को सूजी से भी कोट करके फिर इसे स्लो फ्राई कर सकते हैं, उस सूजी से भी बहुत ही टेस्टी कटलेट बनकर तैयार होता है। तो इसी तरह से आप सारे कटलेट को बनाकर रेडी करके रख लें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कटलेट बनकर तैयार होगा। चलते हैं अब इसे सेलो फ्राई करते हैं। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद इसमें कटलेट डालेंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर कटलेट डालें, एक दूसरे में सटाकर नहीं डालें। सबको डाल के 1 से 2 मिनट छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद इसको चारों तरफ से उलट उलट कर इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। इसी तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से उसे उलट पलट कर सभी तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा कटलेट बना है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। बहुत ही टेस्टी कटलेट बनकर तैयार हुआ है। अब इसे बाहर निकाल लेते हैं, टिश्यू पेपर पर इसे बाहर निकाल लें। बहुत ही टेस्टी कटलेट बनकर तैयार हुआ है, इसलिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी कटलेट बनकर तैयार हो गया। अब इसे सर्व करते हैं। आप अपनी पसंद की कोई भी चटनी के साथ और टमाटो केचप के साथ इसे सर्व करें। बहुत ही टेस्टी कटलेट बनकर तैयार है, बिल्कुल टेस्टी कुरकुरा। बारिश के मौसम में इसे ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें।